हे गाइस, वेलकम टू फिटनेस फ्रीक। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिटनेस फ्रीक अरुण में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में, अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो कुछ फूड्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिनको अगर अपनी डाइट के अंदर आप इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं एंड अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। गाइस, बहुत सारे लोग जो हैं वर्कआउट करते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो जाता है, बट उनका मसल डेवलप नहीं हो पाता। आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि उनका मसल डेवलप क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि गाइस, सबसे बड़ा रीज़न होता है मसल डेवलपमेंट का कि मसल को मिलने वाला प्रोटीन। हम वर्कआउट करते हैं, चाहे आप होमवर्क करिए, चाहे हम जिम वर्कआउट करिए, जब हम वर्कआउट करते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे, तो उससे होता क्या है, हमारा मसल ब्रेक होता है। अब जब मसल ब्रेक हो रहा है तो उसको रिकवर होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सो राइट न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हमारा जो मसल है वो डेवलप नहीं हो पाता है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन पाउडर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनका मानना ये हो जाता है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने के बाद हम घर जाएंगे या जिम में अपना प्रोटीन लेके आते हैं, हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन इंटेक करेंगे एंड हमारा जो है मसल बनना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको नो डाउट प्रोटीन बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का एंड कैलोरीज का, जिससे आपका मसल जल्दी रिकवर होता है। बट इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और फूड्स होते हैं जो कि आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने होते हैं, जिससे आपका जो मसल है वो एक हेल्दी मसल अच्छे तरीके से डेवलप हो सके एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके। सो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिनको इनटेक अगर अपनी डाइट में आप करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ अभी वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रोटीन सोर्स है मिल्क। मिल्क एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है स्लो डाइजेस्टिव एंड फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन का। नॉर्मली हमारे घरों के अंदर ये नॉर्मली मिल ही जाता है एंड हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें रेकमेंड करते हैं कि हमें रात को सोने से पहले दूध पी के सोना चाहिए, जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिल्क को ऐड करना चाहिए। क्योंकि मिल्क एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जिसके अंदर आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी मसल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली प्योर 200 मिल्क अगर मैं बात करूं तो 200 मिल्क के अंदर आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट विटामिंस एंड मिनरल्स, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको 200 मिल्क के अंदर मिल जाती हैं, जो कि हमारी ओवरऑल मसल बिल्डिंग के लिए एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फूड है हमारे पास जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है एग्स। एग्स जो है मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, नॉर्मली सभी घरों में अवेलेबल रहते हैं एग्स। सो एग्स जो है एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जिसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी में प्रोटीन अवेलेबल रहता है एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है ये। एंड इसी के साथ मेंस में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में जो एग्स के अंदर येलो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो ओवरऑल एग्स को अगर आप इनटेक करते हैं तो ये आपकी मसल बिल्डिंग में एंड ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माने जाते हैं। सो मेरा मानना यही है कि आप अगर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करना चाहते हैं ना, आपका पर्पस है मसल बिल्डिंग, तो आपको एग्स को अपनी डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड करना चाहिए। गाइस, नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स है हमारे पास प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर में सबसे बेस्ट प्रोटीन वे प्रोटीन माना जाता है, जो कि हमें हेल्प करता है मसल रिकवरी में। क्योंकि आफ्टर वर्कआउट हमारी बॉडी को इमीडिएट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है मसल्स को रिकवरी के लिए। सो वे प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट होता है एंड जल्दी हमारे मसल को रिपेयर करने में हेल्प करता है। एक 30 ग्राम के स्कूप में नॉर्मली 24 ग्राम आपको जो है प्रोटीन मिल जाता है। बट रिमेंबर, आपको जो है सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, इसके साथ आपको अदर फूड सोर्सेज जो है उनको भी इंक्लूड करना है, सो दैट आप एक हेल्दी मसल
डेवलप कर सके एंड अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स है आमंड्स, बादाम। बादाम बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन एंड गुड फैट का। बादाम के अंदर हमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ओवरऑल हमारी स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज करते ही हैं, इसी के साथ साथ हमारी जो वेट लिफ्टिंग की पावर है वो भी बढ़े। नेक्स्ट फूड है ओट्स। ओट्स बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ये आपकी बॉडी में ओवरऑल एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओट्स लो इन फैट एंड हाई इन प्रोटीन माने जाते हैं। इनको इंटेक करने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ओट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो होल डे ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो ओट्स बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके लिए वेट गेनिंग के लिए। नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स है चिकन ब्रेस्ट। गाइज, चिकन ब्रेस्ट एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है हमारे पास जिसकी 80% कैलरीज जो हैं हमें उसके प्रोटीन सोर्स से मिलती हैं। एंड इसी के साथ चिकन ब्रेस्ट जो है इसके अंदर आपको लो फैट मिलता है एंड बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाता है। और इसके साथ साथ लाइक विटामिन B12, विटामिन B6, सिलीनियम, जिंक एंड आयरन, ये सारे विटामिन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आपका पर्पस है मसल बिल्डिंग, जो मैंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो आपको इस फूड को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट फूड सोर्स है हमारे पास पीनट्स, मूंगफली। पीनट्स बहुत ही अच्छा फूड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का एंड गुड फैट्स का। अगर आप अपनी डाइट के अंदर गुड कैलोरीज विद गुड फैट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, तो मूंगफली को आप एज अ स्नैक अपने डाइट प्लान के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। विद जब आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी इंटेक करते हैं, तब आप मूंगफली को अपने स्नैक टाइम में इंटेक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोटीन सोर्स है टोफू, जिसको हम सोया पनीर भी कहते हैं। गाइज, अगर आप वेजिटेरियन हैं एंड आप अपनी बोन हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, तो आपको सोया पनीर को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आपको मिल जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल बोन हेल्थ एंड मसल की बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो ये थे 8 प्रोटीन सोर्स जिनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं आपके लिए इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं।